सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया, हम इस स्लाइड को कल डिस्कस कर रहे थे। जी, तो हम लोग अभी यूएचबी 3 का लेक्चर 21 डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 21 में हमने मानवतापूर्ण आचरण के बारे में अध्ययन किया और हम लोग ये बात देख पा रहे थे कि दो तरीके से मानव के सही आचरण को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो एक मॉडल ये है जो यहाँ पर रखा गया है। तो जो मॉड्यूल 3 में हम लोगों ने विस्तार से स्टडी किया कि स्वयं में विकास किस प्रकार से होता है, किस तरह से ब्लॉक B1 की एक्टिविटीज जागृत होती हैं और कैसे ब्लॉक B1 की एक्टिविटीज के जागृत होने के साथ ब्लॉक B2 की एक्टिविटीज में पूर्णता होती है, निश्चितता होती है, तो उसको यहाँ पे रखा गया है स्लाइड में। तो ये भी बात हुई थी कि मॉडल 1 में हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो जो हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कल्पनाशीलता के आयाम में एक्टिव है और वहां से हम अध्ययन पूर्वक प्रयास पूर्वक ऊपर की एक्टिविटीज को जागृत कर रहे हैं, जिसको कहें कि अनुभव गामी विधि, अनुभव की ओर जा रहे हैं। और एक दूसरी विधि हो सकती है देखने की कि जब अनुभव की क्रिया जागृत हो गई है और उसके साथ जब नीचे क्रियाओं को हम देख रहे हैं तो किस प्रकार से दिखाई देता है, इसको कहेंगे अनुभव मूलक विधि। तो अभी यहाँ जो सामने स्लाइड में वो यह है कि अनुभव की क्रिया जागृत होने के साथ स्वयं की क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार क्रियाओं में लय दिखाई देता है, उसको यहाँ रखा गया है। तो अनुभव की क्रिया में मैं अपने आप को शून्य में संपृक्त देख पाता हूँ, पूरी प्रकृति को शून्य में संपृक्त देख पाता हूँ। तो शून्य के माध्यम से मैं अस्तित्व समग्र के साथ अपने को जुड़ा हुआ देख पाता हूँ, उसमें अपने आप को ऊर्जित, क्रियाशील और परस्परता में भागीदार देख पाता हूँ। जब भी मैं देख पाता हूँ तो जो ज्ञान है उसकी मुझ में पूर्णता होती है, अब कुछ भी मेरे लिए देखने के लिए शेष नहीं रहा, मैंने अस्तित्व समग्र को जैसा है वैसा देख लिया, इसका मुझ में प्रमाण मिलता है। क्योंकि इससे पहले जो ज्ञान की अपूर्णता में जो मेरी स्थिति थी, अब वो नीचे की सारी क्रियाएं उससे पूर्ण होती हैं, इसका प्रमाण मुझे स्वयं में मिलता है। तो ये जो प्रमाण मुझे स्वयं में मिलता है, इससे बोध में जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं की व्यवस्था मुझे स्पष्ट हो रही थी उसमें पूर्णता की स्थिति बनती है। उसके आधार पर कल्पनाशीलता में इस पूर्णता के साथ अब भाव विचार सुनिश्चित करना है, ऐसा एक संकल्प स्वयं में सुनिश्चित होता है, एक निर्णय बनता है कि अब इस पूरे प्रकृति की व्यवस्था को संपृक्तता के साथ देखते हुए अब मुझे जीना है, ऐसा ही मुझे होना है, ऐसी स्वयं में स्थिति बनती है। इससे मेरे भावों में पूर्णता होती है, जो मैं परस्परता में इकाइयों के साथ अवस्थाओं के साथ भाव को क्रमशः पहचानने का जानने का प्रयास कर रहा था, अब उसमें पूर्णता हो जाती है, उसके आधार को मैं देख पाता हूँ। उसके साथ फिर मेरे इच्छा में, चित्रण में पूरी स्पष्टता होती है, मुझे दिखता है कि ये जो मेरी मूल इच्छा है निरंतर सुखपूर्वक जीने की, वो मेरे ही क्रियाओं के विकास से संभव है और इसकी स्थिति भी मुझे स्वयं में दिखाई देती है। और ये भी दिखाई देता है कि मेरे निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो पहले से ही उपलब्ध है। तो इससे मेरे में स्वयं एक संतोष का भाव बनता है, इच्छा में पूर्ति पूर्णता होती है। फिर इससे मेरे तुलन की दृष्टियां जो अजागृत थी, प्रेरित लाभ के आधार पर चल रही थी, उसमें पूर्णता आती है। जो मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, धर्म का ज्ञान हुआ, संबंध का ज्ञान हुआ, उससे तुलन की दृष्टि में पूर्णता आती है। अब जो प्रिय हित और लाभ की दृष्टियां पहले बनी हुई थी वो इसी अर्थ में सज जाती हैं, इसी अर्थ में व्यवस्थित हो जाती हैं। इसके साथ जब मैं विश्लेषण करता हूँ तो जो भी मैं विश्लेषण करता हूँ वो अपनी एक सही भागीदारी के अर्थ में करता हूँ, सही जीने के अर्थ में करता हूँ, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में करता हूँ, जिससे मेरे अंदर हर क्षण सुख का आस्वादन हो रहा होता है, मैं निरंतर सुख की स्थिति में होता हूँ। और अब जो मैं भागीदारी करता हूँ बाहर, निरंतर सुख की स्थिति में बने रहते हुए करता हूँ, तो जो भी मैं चयन करता हूँ अपनी भागीदारी को लेकर, चाहे मानव के साथ हो, शेष प्रकृति के साथ हो,
उसमें मेरे स्वयं में सुख की स्थिति बनी रहती है, और यही फिर जो मेरी भागीदारी है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा तक जाती है। तो मुझे स्वयं में जो ज्ञान हुआ, ज्ञान की पूर्णता हुई, इसका प्रमाण मुझे अपने जीने में मिलता है, और यही मानव के सही आचरण का स्वरूप है। तो ये दिखाई देता है स्वयं में। तो अभी हम कहीं पे खड़े हैं यहाँ पे बीच में, अभी ब्लॉक बी वन की एक्टिविटीज को हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ब्लॉक बी टू की एक्टिविटीज में भी बहुत सारा काम शेष हो सकता है, भाव को भी देखना शेष हो सकता है, विचारों को देखना शेष हो सकता है, आस्वादन का दबाव बना हो सकता है, बहुत सारी मान्यताएं बनी हो सकती हैं जिनके आधार पर गहरे गहरे संस्कार बने हो सकते हैं, है ना। तो अभी हम जहां भी खड़े हैं वहां से अभी हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, बट एक बार हमारे में अनुभव की क्रिया जागृत हो जाए उसके साथ जो स्वयं की स्थिति बनती है वो इस प्रकार बनती है, और यही मानवतापूर्ण आचरण का एक स्वरूप दिखाई देता है। एक विधि ये है इसको देखने की, रखने की। ये बात अगर पूरी तरह से स्पष्ट हो अच्छी बात है, अगर कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। भैया मेरे पिछले टॉपिक से लेके थोड़ा सा है, भैया जैसे हम जो फल सब्जियां और जो भी हमारे शरीर के लिए पोषक चीजें हैं, आटा हुआ, ये दाल वगैरह हुई और जो भी स्पाइसेस हैं, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ये किस ऑर्डर में रखे जाएंगे भैया। मतलब ऐसा सोच रही थी कि जब तक वो पेड़ पे है तब तक वो बायो ऑर्डर है, उसके बाद जब तक वो मतलब ग्रो कर सकते हैं बीज के रूप में तब तक भी वो बायो ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद तब उसको कहाँ किस कैटेगरी में रखेंगे भैया। वो जैसे दाल है, या दाल तो ग्रो कर सकते हैं तो इसलिए वो बायो ऑर्डर में हो जाएगी, लेकिन जैसे हाँ ये जो हमारे मसाले हैं ये भैया मतलब फिर मटेरियल ऑर्डर हो जाएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था भैया जी। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो प्राण का है, तो हम देख लें प्राण है कि नहीं, यानी श्वसन प्रश्वसन की क्रिया हो रही है कि नहीं। तो ये सब जो स्थितियां हैं इसमें हमको दिखाई दिया कि एक ट्रांजिशन की स्थिति भी हो सकती है। तो जैसे कोई दाल है हमने लाकर रख दिया, मूंग का दाल हमने रख दिया, उसमें श्वसन नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा मॉइस्चर मिला तो श्वसन प्रश्वसन शुरू हो गया, तो पदार्थावस्था में था प्राणावस्था में आ गया, तो ऐसे ही दिखाई देता है। दालें हैं उनको भी हमने टुकड़े बना के रख लिए, अब वो एक तरह की स्थिति में बने हुए हैं, बट थोड़ा सा भी मॉइस्चर अगर लगे तो फिर उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो ये पदार्थावस्था प्राणावस्था के बीच में ट्रांजिशन होता रहता है, चक्रियता है, इसलिए ट्रांजिशन होता रहता है। किस अवस्था में किस क्षण है वो इस बात से दिखता है कि उसमें श्वसन की क्रिया हो रही है कि नहीं। ये उसको श्वसन की क्रिया बोलेंगे या फिर वो कॉम्पोजिशन डिकॉम्पोजिशन हो रहा, मतलब उसमें ऐसा दिखता नहीं है कि कुछ भी वो कुछ ले रहे हैं और कुछ छोड़ रहे हैं। अगर हवा का आदान प्रदान हो रहा है तो एस्पिरेशन है, अगर हवा का दान प्रदान नहीं हो रहा है और कंपोजिशन डिकम्पोजिशन हो रहा है तो पदार्थ में है। हाँ भैया उसी को मगर देखें तो ऐसा तो लगता नहीं कि जैसे कोई उनमें कोई वो कुछ जैसे फल सब्जियां हैं वो कुछ ले रहे हैं, हवा का दान प्रदान हो रहा है नहीं, जैसे तो फल है उसको अगर हम छोड़ दें खुले में, है ना, तो थोड़े समय में वो सूखने लगता है या सड़ने लगता है, ये कैसे हो रहा है इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम उसी को फ्रिज में रखते हैं तो एक तरह की स्थिति बनती है, खुले में रखते हैं अलग तरह की स्थिति बनती है, कोई गर्म जगह पर रख देते हैं अलग तरह की स्थिति बनती है। तो हर स्थिति में उसमें कुछ ना कुछ रचना विरचना हो रही है, उस रचना विरचना में रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं इसको स्टडी कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उस क्षण में मैं उसको पदार्थ अवस्था में रखूंगी प्राणावस्था में रखूंगी, जिस भी अवस्था में रखें अल्टीमेटली मुझे उसे अपनी भागीदारी दिखनी है।
तो बहुत ही टेक्निकली देखा जाए तो हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि श्वसन है कि नहीं। अगर है तो प्राण अवस्था की इकाई है, नहीं है तो पदार्थ अवस्था की इकाई है। और ये मूल मुद्दा भी नहीं है कि उस क्षण में उसको पदार्थ में रखें या प्राण में रखें, मूल मुद्दा ये है कि जैसी उसकी स्थिति उसका सदुपयोग क्या है हमारी सद्भागिदारी से। जी जी ठीक है भैया, मैं देखती हूँ। भैया जी जैसे बीज को देखें है ना, बीज को हम स्टोर करते हैं अपने यहाँ, तो बीज उस समय तो पदार्थ की तरह ही है। अगर उस बीज को वैसा का वैसा रहने दिया जाए वो धीरे धीरे घुन खा जाएगा या फिर है ना टूट फूट सकता है, बट उसको थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाए तो उससे अंकुरण होने लगता है, तो पदार्थ था प्राणावस्था में चला गया। मॉइस्चर खत्म हो जाए वापस पदार्थ की तरह हो जाता है, ये चक्रियता लगी रहती है उसमें। वही मूंग के दाने को हमने खेत में डाल दिया, पौधा निकल आया, मूंग के दाने को वैसे हमने स्टोर करके रखा हुआ है बोरियों में, वर्षों तक रह सकता है एज इट इज, अनलेस को उसको घुन वगैरह खाने लगे। बट यदि इसी को मिट्टी में भी नहीं डाला और उसको टेबल पे छोड़ दिया ठीक, तो दोनों ही संभावना है, या तो बिगड़ने लगे या उसमें स्प्राउटिंग होने लगे, दोनों ही संभावना है। तो मुख्य बात है कि उसकी भागीदारी, उसके साथ मेरी भागीदारी क्या है, मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये मुख्य बात है। जी भैया। बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया। जी नमस्ते। हाँ जी भैया, अभी दो विधि की बात कर रही थी, अनुभव गामी और अनुभव मूलक। तो जो मैं देखता हूँ कि ह्यूमन बीइंग जो भी है वो अभी ब्लॉक B2 में है, स्टार्ट वहीं से होता है, तो अनुभव गामी विधि से ही वो रियलाइजेशन तक पहुँचता है। तो भैया ऐसे केसेस भी होते हैं क्या कि पहले रियलाइजेशन हो, अनुभव मूलक जो बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि पहले रियलाइजेशन और उसके अकॉर्डिंग फिर सारी क्रियाएं उसके उसमें अलाइन हो जाती हैं और निश्चित हो जाती है, पूर्णता हो जाती है। तो पहले अनुभव कैसे हो जाएगा, अभी दिख ही रहा है ना, देखिए स्वयं में देखिए उसको, अभी आपकी जो स्थिति है तो आप अनुभव संपन्नता के साथ तो शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो शब्दों को हटा भी दें तो जहां आप अभी आपकी जो स्थिति है वहां से आप आगे बढ़ेंगे, अनुभव तक पहुंचेंगे। एक बार अनुभव में पहुंच गए, अनुभव क्रिया जागृत हो गई, फिर उसके बाद सारी क्रियाएं पूर्णता के अर्थ में व्यवस्थित हो जाएंगी। अभी पूर्णता नहीं है, अपूर्णता है, आधार नहीं है उसका, आधार दिखा नहीं है। तो पहले अनुभव हो जाएगा कैसे होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विधि तो एक ही रहेगी भैया, अनुभव गामी विधि ही रहेगी। हाँ तो अनुभव गामी विधि से गए, जब मानवता पूर्ण आचरण की बात कर रहे हैं और अनुभव क्रिया संपन्न हो गई है, तब जो जिएंगे अनुभव मूलक विधि से जिएंगे, अभी जो जी रहे हैं अनुभव गामी विधि से जी रहे हैं। वो तो क्लियर है भैया कि रियलाइजेशन के बाद तो आपका जो जीना है, क्योंकि आपने वास्तविकता को देख लिया है, जान लिया है, तो जीना फिर उसके अकॉर्डिंग हो ही जाएगा, उसमें तो सहजता से हो जाएगा। एक भैया एक क्वेश्चन और है, क्योंकि डिफरेंट प्रबोधक कुछ चीज़ों को डिफरेंट तरीके से रखते हैं, तो हमारी जो स्थिति वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जैसे इसमें भी हम जो मेन बात करते हैं कि एक्सपीरियंशियली वैलिडेट करना है, कोई भी प्रपोजल है तो हम एक्सपीरियंशियली वैलिडेट करेंगे और मानव के साथ उसका आउटकम म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा। लेकिन जब हम जीने में देखते हैं भैया, तो क्योंकि जब हम प्रपोजल हमारे पास आया है, हम उसके ऊपर सीरियसली वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसका परिणाम हमारे अंदर देख भी रहे हैं और हमारी हार्मनी मेंटेन रह पाती है और हम पूरा अगर अवेयर हैं तो हर वक्त रह पाती है, दूसरे के व्यवहार या दूसरे का भाव या फिजिकल फैसिलिटी से वो प्रभावित नहीं होते, इतना देख पाते हैं भैया। लेकिन इसकी वजह से ये हो सकता है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने अलग तरह से रखा था, लेकिन अभी मैं क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन और बढ़ा है तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी हारमोनी मेंटेन करते हुए दूसरे की हारमोनी में सहयोग करने भी जाते हैं, लेकिन अगर वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसका इस पर कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी भी उसका जो प्रोग्राम है बाहर से भाव पा करके खुश होना या फिजिकल फैसिलिटी पा करके खुश होना या एक्साइटमेंट इज हैप्पीनेस फॉर हिम और हर, तो भैया वहाँ पर म्यूचुअल हैप्पीनेस तो आउटकम नहीं हो पाता है। और इवन क्योंकि ये प्रश्न मैंने कहीं और रखा था तो वहाँ पे ये आया था कि फिर आप अपने प्रोग्राम को वैसा ही बनाए रखो जो चल रहा था, उनके साथ आपको उनके साथ प्रोग्राम बाहर वैसा ही जीतो, लेकिन वो बड़ा द्वंद्व वाली स्थिति होती है, वैसा नहीं हो पाता है।
इसलिए प्रोग्राम है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना। अब जब व्यवस्था समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई आपकी बात, स्पष्ट। देखिए इसमें बात पहले भी हुई थी कि प्रमाण स्वयं में मिलता है, तो दूसरा मेरे व्यवहार से सुखी हुआ है ना, ये मेरा प्रमाण नहीं है। दूसरे के सुख में मेरी भागीदारी निश्चित हुई, वही हुई जो सहज रूप से स्वीकार है मुझे, ये प्रमाण है। नहीं तो प्रमाण की निरंतरता तो हो नहीं सकती, प्रमाण में पूर्णता तो हो नहीं सकती। तो प्रमाण स्वयं में मिलता है। किन्हीं और ने प्रश्न किया था, उसमें मैंने इसको अपनी तरफ से भी दोबारा रखा था कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें ध्यान दें, जैसे प्रमाण ऊपर में लिखा हुआ है ना, तो स्वयं की क्रियाओं में ही प्रमाण मिलेगा। तो अगला व्यक्ति है, उसकी कोई मान्यता बनी है, संवेदना का अभ्यास बना हुआ है, उसको मैं पूरा करूंगा, ये प्रमाण नहीं है। वो पूरा होकर मुझे थैंक्स कह देगा, खुश हो जाएगा, गले मिल जाएगा, ये कोई प्रमाण नहीं है। मेरा व्यवहार, मेरे निर्णय इस अर्थ में है जिससे उसके अंदर ये जागृति हो, ये प्रमाण है। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं उसकी स्थिति को ठीक ठीक आकलन कर पा रहा हूं, और मेरी जो निर्णय है उसको उस स्थिति से आगे ले जाने के लिए, तो मैं कोई दबाव भी नहीं बनाऊंगा, कोई अलग से मैं अपनी बात को थोपूंगा भी नहीं, परंतु उसके अंदर सेल्फ एक्सप्लोरेशन को इनिशिएट करने के लिए मैं अनुकूल स्वयं उसकी स्थिति में बनाऊंगा, ताकि उसके अंदर जांच परख शुरू हो जाए। तो हो सकता है सामूहिक रूप से कुछ है ना चीजों को मैं उसके अनुसार कर दूं, ताकि उसके अंदर जांच परख शुरू हो पाए। अगर मैं नहीं करता हूं तो हो सकता है वो रुक जाए, जैसा हमारे साथ भी होता है। तो ये प्रमाण हुआ। तो प्रमाण स्वयं में मुझे अपने आचरण का मिलता है, प्रमाण दूसरे के सहमत हो जाने से, खुश हो जाने से, एक्साइटेड हो जाने से नहीं मिलता, ये बिल्कुल अपने आप में निश्चित कर लेने वाली बात है। तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे के साथ जीने लगेंगे, उसके साथ हार्मनी बनाने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब अपनी बात भी रख रहे थे, तो मैं उसको अगर सजगता पूर्वक बनाए रख रहा हूँ अपने आप में हार्मनी, यानी उसमें अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी उसमें मेहनत पड़ रही है, श्रम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब ही मुझे स्वयं में दिखा नहीं है। तो जब स्वयं में नहीं दिखा है, तो काफी संभावना है कि अगला व्यक्ति भी हमारे आचरण को देखकर अन्यथा प्रभावित हो रहा होगा, तो उसको भी स्वीकार रखें अपने आप में। ऐसा नहीं कि मुझ में अनुभव हो गया है, बोध हो गया है, चिंतन हो गया है, और अब मैं दूसरे को समझदार बनाने जा रहा हूँ, नहीं। जब मुझ में नहीं हुआ है तो मेरे भाव विचार में चूक हो रही होगी, मेरे व्यवहार में चूक हो रही होगी, और निश्चित रूप से होगी, अगला व्यक्ति उसको ऑब्जर्व कर रहा है। नहीं तो आप देखें तो हर मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता के प्रति स्वीकृति होती ही है, आप में अगर श्रेष्ठता होगी तो अगला व्यक्ति उसको नकारेगा कैसे। तो अभी हम भी अपने लिए बहुत हड़बड़ी ना करें कि मैं अभी समझदार हो गया हूँ और अगला व्यक्ति नहीं स्वीकार रहा, ऐसा नहीं। मेरे में अभी जब इतना श्रम पड़ रहा है, अभी कल्पनाशीलता में ही भाव को ठीक बनाए रखने के लिए, विचार को ठीक बनाए रखने के लिए, इसका मतलब दिखा नहीं है। मैं अभी श्रम पूर्वक है ना सामूहिक रूप से अपनी स्थिति को हार्मोनियस बना के रख पा रहा हूँ, वो बिगड़ भी जाता है फिर, तो हम इस बात के लिए ओपन रहे। तो अभी मुद्दा सिर्फ प्रमाण का ही नहीं है, ज्ञान का भी है जी। ये बात स्पष्ट हो गई कृष्ण जी? हाँ भैया, बात तो स्पष्ट हुई, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उसमें, क्योंकि पूरी स्थिति बता नहीं पाया हूँ आपको, अभी बीच में डिस्कस करना भी ठीक नहीं है, मैं आपसे अलग से बात करूंगा। ठीक, बढ़िया। कोई और किन्हीं का प्रश्न हो तो अनुभव के साथ ये स्थिति दिखाई देती है, और स्वयं में जो स्थिति मेरी बनती है वो सहज रूप से मेरे आचरण में जाता है, तो उसका प्रमाण मुझे आचरण में सहज रूप से मिलता ही है। बढ़िया भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगा सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं है तो। तो ब्लॉक B1 में देखें तो ज्ञान संपन्नता हुई, ब्लॉक B2 में समाधान पूरा हुआ, इससे ब्लॉक B3 में जो मानव के साथ मेरा निर्वाह है वो उभय सुख के अर्थ सुनिश्चित हुआ, अखंड समाज तक गया, उसको B3 कहा। वैसे ही शेष प्रकृति के साथ जो मेरा निर्वाह हुआ और अपने से बड़ी व्यवस्था में जो भागीदारी हुई वो सार्वभौम व्यवस्था तक जाता है और उसी की परंपरा बन पाती है, ये ब्लॉक B4 हुआ। तो इस रूप में देखें तो हम लोगों ने पहले भी इसको इस रूप में रखा था, B1, B2, B3 और B4।
तो अगर हम मानव के चार आयाम देखें, अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य, तो उससे ये चार ब्लॉक कनेक्टेड दिखाई देते हैं। तो अनुभव का आयाम हुआ ब्लॉक B1, विचार का आयाम हुआ ब्लॉक B2, व्यवहार का आयाम हुआ ब्लॉक B3 और कार्य का आयाम हुआ, जिसमें भागीदारी भी जुड़ी हुई है, ब्लॉक B4। तो इस रूप में हमें दिखाई देता है, एक बार अनुभव या जागृत हुई, स्वयं में तो लय बन गया। फिर इसमें मैं मानव के साथ जो निर्वाह करता हूँ, तो इसमें आप पाएंगे कि मेरा ज्ञान तो है, साथ में कुछ स्किल्स भी जुड़ा हुआ है। मुझे अगर अपनी कोई बात रखनी है तो मैं किस विधि से रखूँ ताकि अगला व्यक्ति समझ पाए। अब इसको मैं धीरे धीरे सीखता हूँ। इनफैक्ट जब मैं अनुभव की ओर जा रहा हूँ तो उस क्रम में बहुत सारा कुछ मैं सीख लेता हूँ, इसमें सीखना भी जुड़ जाता है। जब स्वयं में देख रहे हैं उसमें स्किल का बहुत महत्व नहीं है, परंतु जब दूसरों तक पहुंचा रहे हैं उसमें स्किल का महत्व है। और आप देखें तो ओवर द टाइम हम सब लोग सीख रहे हैं, भले ही हम अभी अनुभव की ओर गति कर रहे हैं, अनुभव संपन्न नहीं है, बट इस पूरे प्रोसेस में भाषा सीख रहे हैं, शब्दों को प्रयोग कैसे करना है उसको सीख रहे हैं, कि शब्द को किस रूप में रखना है ये सीख रहे हैं। हम लोग बहुत सारे गैजेट्स यूज करना भी सीख रहे हैं, एप्लीकेशन यूज करना सीख रहे हैं, तो ये सब भी सीख रहे हैं। तो मानव के साथ व्यवहार करने में भाव मुख्य मुद्दा है, परंतु उसके साथ स्किल्स भी जुड़ जाते हैं, है ना, ताकि मेरी बात दूसरे तक ठीक ठीक पहुंच पाए और ताकि मेरा व्यवहार ऐसा हो पाए जो समाज में अखंडता का आधार बन पाए। वैसे जब मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं शेष प्रकृति को संवर्धन भी कर रहा हूँ, संरक्षण भी कर रहा हूँ, सदुपयोग भी कर रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारा कुछ सीखना जुड़ जाता है। तो ऊपर वाले भाग में देखें, B1 और B2 में तो समझना है। B1 में तो शुद्ध रूप से अपने आप में देखना है, B2 में उसके आधार पर अपनी कल्पनाशीलता को व्यवस्थित करना है। उस क्रम में हमने प्रस्ताव लिया, उसमें शब्दों को सुना आदि, उसके लिए सीखना आवश्यक था। बट जिस क्षण में मैं देख रहा हूँ एक शुद्ध दृष्टा के रूप में, उस समय तो भाषा कोई महत्व नहीं, वो वास्तविकता इंगित होनी थी, वो हो गई। जब मैं उसको जीने जाता हूँ आचरण में, तब उसमें सीखना जुड़ जाता है। तो सिर्फ प्रकृति के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी मुझे उत्पादन की कलाएं सीखना बनता है, प्रकृति की ढेर सारी इकाइयों के बारे में जानकारियां लेना बनता है ना, कि किस उत्पादन में कौन सी सामग्री प्रयुक्त हो, जिससे क्या गुण का सदुपयोग हो, जिससे क्या फल परिणाम आए, जिससे क्या सुविधा बने, जिससे मेरे शरीर कौन सी आवश्यकता पूरी हो जाए, ना ये सारा कुछ सीखते हैं। वैसे जब समग्र व्यवस्था में भागीदारी भी कर रहे हैं तो किस तरह से परिवार से लेकर विश्व परिवार तक व्यवस्था बनेगी, कौन सी विधियां कारगर होंगी, इन सबको भी हम सीखते हैं, हमारा भाव निश्चित रहता है। और इस प्रकार से ये ब्लॉक B1, B2, B3, B4 में मेरा जीना होता रहता है। जी हेलो, नमस्ते सर जी। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा है, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर। इस UHV टीम से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं अपने लाइफ में भी वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो उस सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के लिए आज मैंने हैंड रेस किया था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भैया दीदी जी, मेरी तरफ से मेरे गुरुओं को भी प्रणाम और मेरा कृतज्ञता ज्ञापन। और देखें तो पूरी परंपरा ही हमारे लिए गुरु रही है, और जिन व्यक्तियों से हमें मुख्य रूप से अपने ज्ञान को सुनिश्चित करने के क्रम में सहयोग मिला है, दिशा मिली है, उन सबके प्रति बढ़िया दीदी। थैंक यू सर जी। सर नमस्ते। नमस्ते सर, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोगों को बेहोशी में होश में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और UHV ने जो हम लोगों को दिया वो सच में जो हमने 55 साल में नहीं सीखा वो यहाँ से। सर मेरा प्रश्न ये था, यहाँ पर वर्क में रेस्ट ऑफ नेचर को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर हम B2 के साथ इसको रखते हैं जिसमें इमेजिनेशन, विश्लेषण, चयन और तुलन और टेस्टिंग के बाद जो रेस्ट ऑफ नेचर है, ये वर्ड को थोड़ा सा अगर मैं नहीं समझ पा रही तो
श्रेष्ठ ऑफ नेचर मतलब मानव के अलावा जो कुछ भी प्रकृति में है, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, पर कुछ प्रकृति मिट्टी में पानी धातु धातु है ना, सबको जो श्रेष्ठ ऑफ नेचर करें, तो मानव के साथ हम व्यवहार करते हैं, श्रेष्ठ ऑफ नेचर के साथ कार्य करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें भी देखें तो थोड़ा सा प्रश्न बन सकता है किसी के अंदर कि अगर मैं किसी के बॉडी की मसाज कर रहा हूँ तो उसको मैं रेस्ट ऑफ नेचर कहूंगा, वर्क कहूंगा या बिहेवियर कहूंगा, तो अल्टीमेटली देखें तो रेस्ट ऑफ नेचर में फिर जो चैतन्य इकाई है उसके अलावा जो कुछ भी है उसको रखना बनता है। तो चैतन्य इकाई के अलावा जड़ है, तो जड़ के साथ जो मैं निर्वाह कर रहा हूँ उसको रेस्ट ऑफ नेचर कह रहे हैं। तो ये मनुष्य के दोनों तरफ पार्ट में वर्क, ये जो वर्क है ये पार्टी भाग लेता है रेस्ट ऑफ नेचर में, जड़ और चेतन दोनों जड़ का है। इनफैक्ट जब पशु पक्षी कह रहे हैं वहाँ चेतन भी शामिल है, बट व्यवहार उनके साथ तो कर नहीं रहे, तो ये व्यवहार जो कुछ भी कर रहे हैं प्रकृति में उसको कार्य कहा ताकि बात संपूर्ण हो जाए। तो वो कार्य में हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है। और क्या, देखिए ये अपने को दिखाई दे कि शरीर की आवश्यकता सुविधाओं से पूरी होती है, सुविधाओं के लिए उत्पादन की आवश्यकता है, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी श्रम की आवश्यकता है, उत्पादन के लिए भी श्रम की आवश्यकता है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी श्रम की आवश्यकता है, इसलिए श्रम की स्वीकृति होना बहुत जरूरी है ना। ये भी आप पाएंगे कि कई बार एक उम्र के बाद हम श्रम करना रोक देते हैं, कम कर देते हैं, उससे हमारा शरीर अस्वस्थ होने लगता है। अगर हम श्रम को बनाए रखें तो शरीर स्वस्थ होने लगता है, और श्रम कर रहे हैं तो उससे कुछ उत्पादन भी जुड़ा हो, यानी कि भले ही हम पैसा कमाने के लिए ना काम करें वो बात नहीं, बट जो सुविधाओं का संरक्षण है, सदुपयोग है ना, घर में जो सुविधाएं हैं उनका संवर्धन ठीक से हो, प्रकृति का संवर्धन ठीक से हो, इसमें अपनी भागीदारी देते हुए रह सकते हैं जी। इसलिए श्रम और कार्य है ना, तो जी 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 आवश्यक है, और श्रम से कार्य जुड़ा हुआ है वो भी आवश्यक है जी। सर बहुत छोटे छोटे शब्दों को लेकर भी हम अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ये इसकी क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन के से हम आगे गति नहीं कर पाएंगे, गति क्रिया में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे जी। जी बिल्कुल, इसलिए स्वयं पे ध्यान देते रहना है ना, और सतत अपने प्रति सजगता को बनाए रखना, अपने मूल्यांकन को बनाए रखना, उसके साथ भागीदारी को बनाए रखना, स्वयं में जांचते रहना, यही तो कुल करने का काम है जी। बढ़िया। पर ये सर ये जो हमारी गति है ये बहुत स्लो स्पीड से चल रही है ऐसे लग रहा है, कि हम लोग जिस तरीके से आप इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, कई बार हम लोग कहीं कहीं जगह जाके अटक जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत ज्यादा हम लोगों को और ज्यादा पीछे करके उसको आगे करके एक्सप्लेनेशंस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, वो मुख्य रूप से ध्यान देने का ही मुद्दा है दीदी, उसको ध्यान देंगे तो गति बढ़ने लगेगी, क्योंकि हमको प्रायोरिटी सेट करना होता है, तो हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें हमने क्या प्रायोरिटी सेट की, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम सबके लिए है, तो प्रायोरिटी सेट होने लगती है, धीरे धीरे गति हमारी बनने लगती है, प्रायोरिटी नहीं सेट होती है तो गति धीमी हो जाती है, इतना ही है सर। वो सारे दिन में इतने काम होते हैं ना, तो वो कहीं कहीं ऐसे लगता है कि ध्यान तो रहता है, पर हम वही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देते उस चीज के लिए, तभी हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम वो सही तरीके से हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे, जो एक हम लोगों का मोटिव है जी। और जो काम भी कर रहे हैं हम, उसको भी हम तय करेंगे कि हमने समझ कर सारे निर्णय लिए हैं या बिना समझे, और अगर समझ के लिए हैं तो उस कार्य को करते हुए व्यवहार का ध्यान रखेंगे, विचार का ध्यान रखेंगे, भाव का ध्यान रखेंगे, तो हमारी गति बनती चली जाएगी, और जो शेष समय बच जा रहा है उसका भी सदुपयोग करेंगे ज्ञान के अर्थ में जी। जी सर, ये विचार का भी भाव का भी ध्यान रखें ना, पर फिर भी व्यवहार में कहीं ना कहीं वो आई जाती है, हमारी जो पीछे की परंपराएं हैं वो आई जाती हैं, है ना, बहुत ज्यादा। ऐसा अपेक्षा ना रखें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तो व्यवहार के मूल में विचार, विचार के मूल में भाव,
ना, अब उसमें परिमार्जन सारा तो शेष है, तो व्यवहार में चूक तो होगी, तो व्यवहार के लेवल पे तो अभी बहुत हड़बड़ी ना करें, है ना, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके मूल में अगर काम नहीं हुआ है तो चूक होती रहेगी, आगे भी होगी, बट हाँ इतना हो सकता है कि जो मेजर गलतियां हैं वो हमारे थोड़े से ध्यान देने से रुक जाता है, तो उसका इरिटेशन आपके अंदर हो रहा है, बट जो आप टेम्पर लूज करते थे वो रुक गया, जो आप दूसरों के साथ आप शब्दों का प्रयोग इन केस अगर करते थे वो रुक गया, जो शाउटिंग होती थी वो रुक गया, इतना तो हो सकता है, बट स्वयं इरिटेशन में हो, स्वयं में कम्फर्ट बना रहे, उसके लिए तो अपने अंदर ज्ञान पे काम करने की जरूरत है। सर मेरे हिसाब से तो वो जो परिमार्जन है अभी तो शुरू हुआ है हम लोगों का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बढ़िया दीदी, धन्यवाद सर। किसी और का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, हम जो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो B3 से B4 की तरफ जब हम जा रहे तो एक मानवीय समाज से मानवीय व्यवस्था में जा रहे भैया, और फिर अल्टीमेटली इसका एंड जो दिख रहा है वो मानवीय परंपरा में है। तो भैया मानवीय परंपरा कंटिन्यूटी, जी जी भैया, तो मानवीय परंपरा जो है वो तो हमेशा निरंतर सुख में रहने की बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? अगर बनी हो तो बनी हुई नहीं है, है ना, बट वो बन जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी जो हम देखते हैं सभी, तो हर मानव तो एक दूसरे को हैप्पी करने का प्रयास करता है उभय समृद्धि के लिए। अरे देखिए, चाहता है इतना ठीक है, अभी प्रयास कर रहा था तो इतनी सारी अमानवीयता क्यों होती, इतने अपराध क्यों होते, इतना न्याय क्यों होता, इतनी अव्यवस्था क्यों होती, प्रकृति क्यों इतना दोहन शोषण हो रहा होता। अगर मानवीय परंपरा बनी गई है तो शिकायतें की नहीं, लेकिन मूल में अगर देखा जाए तो मानवीय परंपरा या मानव की जो मूल चाहना जो होनी चाहिए वो तो सब अच्छा अच्छा ही निरंतर सुखी चाहिए ना भैया। फिर हम शिफ्ट हो गए, अब चाहना की बात करने लगे। परंपरा होना एक बात है, चाहना होना अलग बात है। चाहना तो हमेशा से यही थी, यही है, यही रहेगी, परंपरा बने चाहे ना बने, ज्ञान हो या ना हो, चाहना तो ठीक ही है जी। तो चाहना होना एक बात है, जीना अलग बात है, परंपरा जीने की बात हो रही है, चाहने की नहीं। मतलब हमें हर मानव को निरंतर लगे रहना है, अपने आप को सुधारते ही रहना है जी भैया, ये हम कंक्लूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहें, स्वयं में ज्ञान सुनिश्चित करना है, तो लगता है बोझ हो गया हमारे ऊपर। भाई आप सुखी होना चाहते हैं, सुखी हो जाए इतना ही तो करने के लिए दिन भर मेहनत करें, तो ऑलरेडी मेहनत कर ही रहे हैं आप सुखी होने के लिए, सही दिशा में करने लगे। जी 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 बिल्कुल, तो आप सही दिशा में मेहनत करने लगे, बस इतना ही है डिजायरेबल। ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हैं, शरीर चला रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं, संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं, समझ के करने लगे, इतना ही कह रहे हैं बस। जी जी, मतलब जो अभी आपने बोला कुछ देर पहले कि हम में अपने आप में शिफ्ट पा रहे हैं, हम जो पहले चिल्लाते थे, ये नाराज होते थे दूसरों के इससे, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। जी भैया जी जी नमस्ते, आज के लिए धन्यवाद भैया। हेलो नमस्ते भैया, कुमार भैया नमस्ते, माय अदर फ्रेंड्स जी नमस्ते नमस्ते। भैया एक बार आपको ये समझा दीजिएगा, ये जो ब्लीस सेटिस्फेक्शन पीस और हैप्पीनेस है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए ना भैया, एक एक स्टेप में जो है अनुभव के आधार पर जो बोध में पूर्णता होती है उसको आनंद कहा। अच्छा, बोध की पूर्णता के आधार पर जो इच्छा में निश्चितता होती है उसको संतोष कहा, इच्छा की निश्चितता के आधार पर जो विचार में निश्चितता होती है उसको शांति कहा, और विचार की निश्चितता के आधार पर जो आशा में निश्चितता होती है उसको सुख कहा, और सुख शांति संतोष आनंद इन सबको जोड़कर निरंतर सुख कहा। अच्छा ब्लिस तो मतलब आशीर्वाद जो बोलते हैं हम लोग, ब्लिस मतलब वो ब्लेस होता है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, मतलब आनंद। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओ या करेक्ट, डिटर्मिनेशन अंडरस्टैंडिंग हारमोनी। अच्छा हारमोनी से ब्लिस, अच्छा ये आनंद, बढ़िया भैया। ओके ठीक, थैंक यू, थैंक यू भैया जी।
बढ़िया, तो भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो ये दिखाई देता है मॉडल वन के रूप में, देखें तो एक छोर पर अनुभव है, दूसरे छोर पर हमारी अभिव्यक्ति हो रही है जो मानवीय परंपरा तक जा रही है, और अनुभव की क्रिया से गाइडेंस मिल रहा है बाकी सारी क्रियाओं को, जिससे पूर्णता हो रही है। तो अनुभव हो जाना इसको कहा क्रिया पूर्णता, यानी अब मेरी क्रियाओं में कुछ भी शेष नहीं रहा, मेरी क्रियाएं पूर्ण हो गई और उसके आधार पर मेरा जीना भी वैसा हो गया, मेरा भाव विचार उसी आधार पे हो गया, मेरा व्यवहार उसी आधार पे हो गया, मेरा कार्य उसी आधार पे हो गया, इसको कहा आचरण पूर्णता। तो आचरण की पूर्णता हो गई, यही कुल करने का काम है। तो अगर हम मानव के सही आचरण को देखें तो एक स्वरूप ये दिखाई देता है, एक विधि रखने की ये दिखाई देती है। बढ़िया भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। इस पे डायग्राम पे तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो इसको अगर हम समाधान के 9 बिंदुओं से जोड़े जैसा पहले भी हमने रखा था, तो इस रूप में दिखाई देता है। तो 3.1 में ज्ञान को रखा, 3.2 में विवेक को रखा था, विवेक में जो भागीदारी उसके स्पष्टता भी हो रही है और उसके आधार पर चित्रण भी निश्चित हो रहा है, विज्ञान में विज्ञान को कल्पनाशीलता में पूरी तरह से रखा था कि अब जब मुझे ज्ञान हो गया, मानव लक्ष्य स्पष्ट हो गया, तो इसकी पूर्ति के लिए कैसे योजना बनानी है, कार्यक्रम बनाना है, क्रियान्वयन करना है, फल परिणाम का मूल्यांकन करना है ना, और कैसे फिर से योजना में परिवर्तन लाना है ना, कैसे लोगों की भागीदारी बढ़ानी है, कैसे इस प्रस्ताव को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, कैसे इसको सिस्टम एस्टैब्लिश करना है, ये सारा विज्ञान का काम है। नहीं, फिर उसके आधार पर व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी, तो 3.4 पे रखा व्यवहार को, 3.5 पे रखा कार्य को, 3.6 पे रखा भागीदारी को। फिर वो 3.7 में देखें तो अखंड समाज, 3.8 में सार्वभौम व्यवस्था, 3.9 में मानवीय परंपरा, नंबर 1 में जो रखा था मानव की चाहना क्या है, निरंतर सुख, उसी क्रम में देखें तो ये उससे जुड़ता है, उभय सुख उभय समृद्धि और मानव लक्ष्य की पूर्ति। तो इस तरह से अगर हम पूरे UHV3 के वस्तु को देखें तो ऐसा दिखाई देता है। तो मानव की चाहना निरंतर सुख, निरंतर सुख बराबर ज्ञान, समाधान, समाधान के 9 बिंदु, और ये भी दिखाई देता है कि मानवीय परंपरा जिस प्रकार से बनती है उसकी अनुरूपता दिखाई देती है मानव लक्ष्य के साथ, कि जो मानव लक्ष्य स्पष्ट हुआ वही अब धरती पे फलित हो रहा है, वैसा ही दिखाई दे रहा है, व्यवस्था दिखाई दे रही है। ज्ञान में देखें तो 9 मुद्दों की उन्होंने बात की थी कि शास्त्रीय दिख जाए, चारों अवस्थाओं की स्वयं व्यवस्था का बोध हो जाए और चारों अवस्थाओं की व्यवस्था में भागीदारी का चिंतन हो जाए, ये 9 मुद्दे ज्ञान के लिए। तो बहुत ही कैटेगरिकली रखें तो इस तरह से दिखाई देता है, परंतु आप पाएंगे कि जब आप स्वयं में देखना शुरू करते हैं और देखने लगते हैं तो फिर चीजें है ना इस रूप में खंडित नहीं दिखाई देती कि ये 1.1 है कि 1.2 है कि है ना, आपको उसका सार दिखाई देने लगता है। तो ये भी एक बात महत्वपूर्ण है कि शब्द संकेत करते हैं, इतना कैटेगरिकली इसे रखा गया है ताकि हमें कम से कम प्रस्ताव तो ठीक से स्पष्ट हो, व्यवहार और कार्य में क्या अंतर है हमको स्पष्ट हो, विवेक और विज्ञान में क्या अंतर है स्पष्ट हो, स्वभाव और धर्म में क्या अंतर है हमको स्पष्ट हो, तब तो हमको ठीक से ध्यान दे पाएंगे। और जब सहस्तित्व में जाकर देखते हैं तो चीजें सारी आपस में जुड़ी हुई दिखाई देती हैं अनुभव की क्रिया में, और फिर उसके बाद जब उसको फिर प्रस्तुत करते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए तो फिर आदमी जहां खड़ा है वहां से रखना शुरू करते हैं। इस रूप में है तो शब्दों का अपना एक निश्चित महत्व है ताकि अर्थ ठीक से इंगित हो जाए, पर जब मैं उस अर्थ को उस वास्तविकता को जैसा वैसा देख रहा हूँ वहां शब्दों का कोई रोल नहीं है, फिर जब मैं उस अर्थ को समाज तक ले जा रहा हूँ फिर शब्दों का रोल है। ये सारा इससे इतना एनालिटिकली रखा गया है ताकि हमें शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो, इसलिए कई बार पूछते भी हैं कि भाई बताइए इसका अर्थ स्पष्ट हुआ कि नहीं। तो जैसे एक दिन हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे कि 5 आयाम है इकाई के, एक पेड़ का उदाहरण लिया, बताइए रूप क्या है, गुण क्या है, स्वभाव क्या है, तो दिखता है कि अगर इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं तो देखेंगे कैसे, और देखेंगे नहीं उसको तो समझेंगे कैसे। इसलिए इतना एनालिटिकली इतना कैटेगोरिकली हर प्रस्ताव को रखा जा रहा है ताकि आपको वास्तविकता जैसी है वैसे ठीक ठीक इंगित हो जाए, परंतु इसकी एक सीमा होगी। कई बार ये होता है कि हम उसके इस एनालिसिस में जाकर उलझ जाते हैं,
इस कैटेगराइजेशन में जाकर उलझ जाते हैं, तो उसकी भी एक सीमा है। एक सीमा के बाद तो उसको फिर स्वयं में ही देखना बनता है। शब्दों की हमेशा एक सीमा रहेगी, है ना, उसको स्वयं में ही देखना बनता है। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो अस्तित्व समग्र को देखें तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जब मैं ज्ञान संपन्न हुआ, आचरण संपन्न हुआ, तो मेरा विकास हुआ, और यही प्रकृति में विकास का स्कोप है, यही विकास है, चैतन्य इकाई में ही विकास है, इस रूप में है। तो पूरी प्रकृति पहले से व्यवस्थित है, मैं व्यवस्थित नहीं था, मुझमें ज्ञान हुआ, ज्ञान से मेरा आचरण निश्चित हुआ, मेरा विकास हुआ, मैं व्यवस्थित हुआ। नहीं, और ऐसा करके हम किसी दूसरे पे उपकार नहीं कर रहे, ऐसा करके हम कोई बोझ नहीं उठा रहे, ऐसा करके हम, है ना, कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, ये अपने को दिखाई दे। तो हमें स्वयं में भी देखते रहना है कि जब मैं ज्ञान के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये फीलिंग्स तो नहीं आ रही कि मैं कोई सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, कि मैं कोई बोझ उठा रहा हूँ, तो बड़ा मेहनत का काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं सुखपूर्वक जीना चाहता ही हूँ, सुखपूर्वक जीने की निश्चित विधि के लिए काम कर रहा हूँ। अभी मैं अन्यत्र सुख ढूंढ रहा था, वहाँ मैं तो तृप्ति है, न निश्चितता है, न निरंतरता है, जो मुझे सही विधि मिल गया मैं उसके लिए काम करूँगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो कई बार जो हम निर्णय लेते हैं लाइफ में, ज्ञान के अर्थ में, फिर हमको बाद में लगता है कि तो भारी पड़ गया, है ना, उसके लिए हमारे अंदर कई बार पछतावा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हम दूसरे की जिम्मेदारी मान लेते हैं कि देखिए दूसरे ने कहा तो हमने कर दिया, अब मैं फंस गया। तो ऐसा नहीं है, ये मेरी आवश्यकता है, है ना, और मुझे स्वयं में अपने ज्ञान समाधान के द्वारा इसको पूरा करना है। मेरी भागीदारी भी मेरी आवश्यकता है, उसको समझ के पूरा करना है। ये जितना जितना ये सब बेसिक इश्यूज जिस पे हम लोग आमतौर पे बात नहीं करते वर्कशॉप्स में, जितना जितना स्वयं में क्लियर होगा, आपके अंदर एक स्वतंत्रता का, एक स्वयं में व्यवस्थित होने का भाव आएगा, एक जिम्मेदारी का भाव आएगा। तो मैं ऐसा करके कोई दूसरों पर उपकार नहीं कर रहा हूँ, कोई बोझ नहीं उठा रहा हूँ, कोई सैक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक सेल्फ के रूप में, चैतन्य इकाई के रूप में निरंतर सुखपूर्वक जीना ही चाहता था, अभी भी चाहता हूँ, है ना, और फिर एक निश्चित कार्यक्रम दिख गया है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। और जितने तो मैं इसको स्वयं पूरा कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए भी सहयोगी हो पा रहा हूँ। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी भैया, मैं अपना प्रश्न पूछने के पहले मैं पहले एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। जैसे कि ये जो भी हम बातें कर रहे हैं, इन बातों के बाकी जो शब्दों का जो गूढ़ जाल है, उसमें तो मैं भी फंस जाती हूँ कई बार, लेकिन इन बातों का जो मूल भाव है उसको मैं महसूस करती हूँ। और इसे महसूस करना बहुत पहले से है, मुझे नहीं पता क्यों है, कैसे है, बट वाकई है मेरे अंदर ये चीज। यही कारण है कि मैं इन कंटेंट से बहुत बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। अब जब जहां हम ये बात करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी तो हमने ले ली, अब दूसरों में भी हमें वो कॉम्पिटेंस डेवलप करना है, उसके लिए मेरा ये सोचना है कि जैसे अगर मैं जिम्मेदारी पूर्वक जीती हूँ भैया, तो सामने वाले तक एक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। लाइक कई बार ऐसे हमें अनुभव होता है कि हाँ, सामने वाले की इंटेंशन सही रही होगी, बट कहीं ना कहीं कोई व्यवहार या कुछ स्टेटमेंट जो हमें कहीं और से सुन के पता चल जाता है कि इस प्रकार से कुछ हुई। तो मैं अगर उसको उस बात को भी प्यार से डील करती हूँ, मतलब उनके साथ तब भी मैं प्रेम पूर्वक ही पेश आती हूँ, तो कहीं ना कहीं आज नहीं कल परसों 6 महीने बाद उनको शायद एहसास हो और वो भी इन बातों को महसूस करने लगे। तो मेरा बस ये है कि दूसरों में कॉम्पिटेंस डेवलप करने के लिए बस हमें अपनी अनुभूति को सही रख करके एक्सप्रेशन भी उतने ही अच्छे ही रखने होंगे, शायद सामने वाले में बदलाव आने लगे मेरी इस भावना को देखकर। क्या मैं सही हूँ भैया? थोड़ा सा इसमें मैं कहूंगा कि और थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही एक तरह से हम पैसिवली देख रहे हैं चीजों को, तो हम उसके लिए योजना भी बनाएंगे, कार्यक्रम। ऐसा नहीं कि मैं मेरे जीने से ही बात चली जाएगी समाज में। जी जी, उसके लिए निश्चित योजना बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, टेक्स्ट बुक लिखेंगे, करिकुलम मिलाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो जी भैया, सब तो बोला।
जी ये सब तो मतलब अभी यूएचबी टीम एआईसीटी यूजीसी के द्वारा हो ही रहा है जी, और उसमें अपने को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि धरती के हर बच्चे तक पहुंचे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ठीक बात है आप जो कह रही हैं। तो बट ये जो है ना कि कहीं ना कहीं वो बात पहुंचेगी दूसरे तक, अब उससे ज्यादा जरूरी ये है कि एक निश्चित मानवीय परंपरा बने, उसमें मैं निश्चित भागीदारी तय करूं। तो मेरे पास जो समय है, जो सुविधा है, शरीर है, इन सब का मैं कैसे सदुपयोग करूं ताकि मानवीय परंपरा में एक मैं उसका आधार बन पाऊं, उसमें भागीदार बन पाऊं। जी 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 भैया, ये तो फिर तो आत्मविश्लेषण की चीज है। जी 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 भैया धन्यवाद जी। बढ़िया दीदी धन्यवाद भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो ये जो दो पॉसिबिलिटीज हैं मानव के आचरण को देखने की, एक तो मतलब इस मॉडल वन में भी जो दो पॉसिबिलिटीज है, तो एक तो अनुभव की क्रिया जागृत होगी, उसके साथ में अब देख रहा हूँ कि कैसे व्यवस्था बनती जाती है। दूसरी संभावना ये भी है कि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से जब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ अनुभव की ओर, है ना, तो मैं किस तरह से गति करता हूँ अनुभव की ओर, तो उसको भी एक मॉडल के रूप में रखा जा सकता है। तो मॉडल वन में भी हम दो प्रकार से रख सकते हैं, अनुभव के साथ या अनुभव के क्रम में। तो अनुभव के क्रम में है तो एक तरह से दिखाई देगा, अनुभव हो गया उसके साथ जब देख रहा हूं मैं तो अलग तरह से दिखाई देगा। तो अनुभव मूल में है एक बात है, अनुभव की ओर गति कर रहे हैं अलग बात है। तो उसको भी देखते हैं, ये दूसरा भाग है कि जब मैं अनुभव की ओर गति कर रहा हूं। जी भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो जब मैं अनुभव की ओर गति कर रहा हूँ तो वो जो एरोज हमने अभी पिछले स्लाइड में लगाए थे अब वो रिवर्स हो जाएंगे। कैसे? तो इस रूप में, तो जैसे अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति प्रस्ताव ले रहा है सही का, तो उसने चयन किया है ना इस प्रस्ताव को सुनने का, चयन से फिर आस्वादन तक गए क्योंकि वो प्रस्ताव सुना, वो प्रस्ताव मुझ तक पहुंचा, फिर जो प्रस्ताव मुझ तक आया उसको मैंने विश्लेषण किया, रैशनल है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं, है ना, उसको एनालाइज किया पूरा, फिर उसका मैंने कंपेयरिंग भी किया, तुलना किया, तो जो भी मेरे अंदर दृष्टियां बनी हुई है उसके साथ में ठीक बैठता है कि नहीं, उसकी कंपेयरिंग की, ये ठीक है कि वो ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे कि एक वर्कशॉप भी हम लोग जब ले रहे होते हैं तो बहुत सारा कंपेयरिंग होता है, अभी जहां लोग खड़े हैं और जो बात रखी जा रही है ना, ये ठीक है कि वो ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं ये छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं कहीं वो छूट जाएगा, तो बहुत सारा कंपेयरिंग भी करते हैं स्वयं में। उसका हम जीने का इमेजिंग भी करते हैं कि हाँ अगर ये बात ठीक है, यही संबंध है, तो संबंध पूर्वक जीने का स्वरूप क्या होगा, यही व्यवस्था है, व्यवस्था पूर्वक जीने का स्वरूप क्या होगा, मैं शरीर से भिन्न हूँ तो मैं होने का अर्थ क्या हुआ, शरीर के स्वास्थ्य का अर्थ क्या हुआ, शरीर के साधन होने का अर्थ क्या हुआ, ये सारा हम अपने आप में चित्रित करते हैं। तो अभी हम नीचे में इस प्रकार से गति कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी आपको दिखाई देगा कि चूंकि अभी अनुभव हुआ नहीं है तो अगर सिर्फ ब्लॉक बी टू में ही एक्टिव है तो इतना सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं होगा, रैंडमनेस होगी। बट यदि एक उसके ट्रेजेक्ट्री को देखा जाए तो ऐसा दिखाई देगा, एक पाथ को देखा जाए कि इस विधि से ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा दिखाई देगा, है ना, बट रैंडमनेस तो होगी। अभी हो सकता है अपने अंदर बैठे बैठे ही कोई चित्रण हो गया और उसको लेकर एक्टिव हो गया कि क्यों ना कौन बनेगा करोड़पति में, हम भी अपना नाम दें, सब पैसा कमाए, हम भी कमाएं। अब वो कहीं बैठा हुआ आस्वादन में पहले का, उसको लेकर हमने चित्रित कर लिया करोड़पति बनने का और ये सब शुरू हो गया, बट वो तो अभी रैंडमनेस है जैसा चल रहा है। बट जब अनुभव की ओर गति कर रहे हैं, ज्ञान की ओर गति कर रहे हैं, तो एक क्रम दिखाई देगा। तो चित्रण में जब भाव पे हम सजग हुए, भाव में परिमार्जन के लिए काम किया, तो चिंतन की क्रिया जागृत हुई, जितना हमारे को भाव स्पष्ट हुआ उससे जीने का स्वरूप स्पष्ट हुआ, तो संकल्प की क्रिया जागृत हुई उतने में, है ना। फिर उसके साथ उस इकाई का स्वयं में होना स्पष्ट हुआ, वो इकाई भी अपने आप एक निश्चित व्यवस्था है ऐसा स्पष्ट हुआ। इसको हम अपने आप में जितना जोड़ कर देखते हैं उतना हमको उसके आधार को देखने की आवश्यकता बनती है। तो हम एक गति कर रहे हैं उसमें, उस बोध के साथ एक गति कर रहे हैं कि अब हमको आगे देखना है, इसको प्रमाण कहा,
फिर वहां पहुंचकर हमें जब वो आवश्यकता एक अपरिहार्यता बन गई, लगा कि नहीं यहाँ पर देख ही ना है, देख ही लेना है, उससे कम में तृप्ति है नहीं, निरंतरता है नहीं, तो अनुभव की क्रिया जागृत हुई। और जब अनुभव की क्रिया जागृत हुई तो मैंने शून्य के माध्यम से समग्र अस्तित्व को अपने साथ जुड़ा हुआ पाया, मैंने अपने आप को संपृक्त देखा। तो इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अभी अगर हम देखें तो अनुभव तो अभी हमें नहीं हुआ, जैसे मैं अपनी बात करूं अनुभव नहीं हुआ है ना, बट मैं अनुभव की ओर गति के लिए क्रियाशील हूँ, तो मैं इस क्रम में गति करूंगा, इस क्रम में गति करूंगा तो पहुंच जाऊंगा। अगर ये बीटू में रैंडमनेस रहा, उसमें घूमते फिरते रहे, उससे नहीं होगा। बट यदि चित्रण से चिंतन की ओर जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि मैं नीचे से इतनी निश्चित विधि से काम करूँ, जो प्रस्ताव मिला उसको पहले मैं ठीक से सुनूं, उसको मैं ठीक से अपने अंदर आस्वादन करूं, उसकी सूचना ठीक से लूं, उसका विश्लेषण करूं, उसको अपने अंदर तुलन करूं, ठीक ठीक तुलन करूं, फिर उसका जीने को जोड़कर देखूं, फिर जब मैं चिंतन की ओर जा रहा हूं तो उसको जांच कर भी देखूं, है ना, ये चित्रण और चिंतन के बीच का रेड एरो है, तो उसको जांच कर भी देखूं। तो जांचता हूं तो मैं ब्लॉक बी1 से अपने आप को कनेक्ट करता हूं, ब्लॉक बी1 से अपने आप को है ना रिफ्लेक्ट करता हूं कि कैसा दिखाई देता है मुझे, ये ठीक है कि नहीं है, मुझे स्वयं स्वीकार होता है कि नहीं है, और फिर मैं उससे ऊपर आगे की ओर जाता हूं। तो अभी जो आचरण की स्थिति बनेगी हम सबकी अनुभव तक पहुंचने के क्रम में, वो इस प्रकार से बनेगी। इतने बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई जी? सुनाई दे रही है। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी गुरुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। जी प्रणाम, सभी गुरुओं को मेरी तरफ से प्रणाम। जी जी, अभी तो फिलहाल जो चार्ट में देख रहा हूँ उससे हमारी स्थिति जो है वो B2 में ही बनी हुई है। चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण में ही बनी हुई है। और उसके आगे और हम थोड़ा विचार करेंगे, सोचेंगे तो चित्रण चिंतन की तरफ जाएंगे, फिर वो संकल्प, बोध और प्रमाण, फिर वो रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल तो हमारी स्थिति B2 में ही बनी हुई है, उसी में हम चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण कर रहे हैं। तो इसको तो टाइम लगेगा लेकिन कर रहे हैं, ये प्रक्रिया चालू है। और हर एक शब्द, हर एक शब्द को मैं नोटिंग कर रहा हूँ और उसके अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, थोड़ा टाइम तो लग रहा है लेकिन उम्मीद है कि हम ये B2 से निकल जाएंगे। कुछ दिन लगेंगे लेकिन ऐसा लग रहा है कि B2 से निकल के चिंतन की तरफ जाएंगे। तो भैया जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा डिस्कशन चालू है। हाँ, B2 से B1 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ बढ़ेंगे, वो कहना ठीक है। जी 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 जी, B2 छूट जाएगा ऐसा नहीं है, B2 से B1 की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि इसमें मतलब एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में जैसे हमने समझ लिया और B2 से B1 में चले गए, ऐसी परिस्थिति नहीं है। क्योंकि उसको टाइम लगेगा, क्योंकि हर शब्द को समझना है, जानना है, उसके अंदर जाना है और उसको जी के देखना है, फिर ये चीजें हो सकती है। क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ दिख रहा है सर जी, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ ठीक बात है। जी जी जी, और इसमें जो एक महत्वपूर्ण काम है ना, जो हम लोग कह रहे थे भाव के प्रति सजग होना, तो चित्रण की क्रिया में जितना ठीक से काम करेंगे अपने गहरे संस्कारों का पता चलेगा। जी जी, व्यवस्था संबंध को भी अपने आप चित्रित कर पाएंगे जी, और उसे अपना मूल्यांकन भी ठीक से कर पाएंगे। इच्छा के स्तर पर हमें और एक्टिव होना है। जी 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 जी, थैंक यू भैया जी, थैंक यू भैया। भैया और का कोई प्रश्न हो, इन सब चीजों को हम स्वयं में देखें। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो होमवर्क के रूप में अगर हम देखें तो जो करने का काम है कि अभी हम अपने आचरण की स्थिति को देखें और देखें कि क्या ये मानवीय आचरण है या नहीं है, मेरा भाव किस प्रकार का है, विचार किस प्रकार का है, व्यवहार किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है, कार्य किस प्रकार का है, भागीदारी किस प्रकार की है। फिर देखें कि जहां जहां हमारा आचरण मानवीय नहीं है वहां क्या स्थितियां बनी हुई है ना? और उसमें परिमार्जन के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ, क्या योजना बना रहा हूँ। फिर ये भी देखें कि वर्तमान में
हमारी भागीदारी का क्या स्कोप है। तो जैसे अभी हम लोग समय समय पे आपसे पूछते भी रहते हैं, फॉर्म भी शेयर करते रहते हैं, कल भी जो लोग सतत रूप से भागीदार हो पा रहे हैं उनको कुछ फॉर्म भी शेयर किया गया है, या आप इसमें लिखते कि अभी आप क्या भागीदारी कर रहे हैं और आगे क्या भागीदारी कर सकते हैं। तो हम सबको तो दिखता ही है कि ये जो भागीदारी का पक्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं भाव पे काम कर रहा हूँ भागीदारी को रोक रहा हूँ तो भागीदारी का ही तो भाव निश्चित होता है। भागीदारी को रोक कर मैं भाव पे काम कर ही नहीं सकता, तो परिमार्जन हो ही नहीं सकता। विचार हो सकता है ना, बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बेसिकली सबका इंटेंशन साउंड है, ये सब विचार चल रहा है, बट जब मैं उसको भाव में उतर के देखता हूँ तो निश्चित रूप से भागीदारी करता हूँ। तो हम भागीदारी अभी किस रूप में कर पा रहे हैं ये हमको देखने की बात है, परिवार में, समाज में, देश में, प्रकृति में, अस्तित्व में क्या स्कोप है अभी हमारे लिए। फिर हम ये भी देखें कि कितने लोगों के साथ हम संबंध को अनकंडीशनली देख पा रहे हैं, कंटिन्यूसली देख पा रहे हैं, और जो हमारा भाव है उनके प्रति वो किस प्रकार का बना रहता है, लाइक विश्वास का भाव बना रहता है कि नहीं, सम्मान का भाव बना रहता है कि नहीं, उसकी कॉन्टिन्यूटी होती कि नहीं, हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं, इन सब चीज़ों को अपने आप में ऑब्जर्व करना है। तो पहली बात तो ये हुई कि अपने आचरण को देखना है, देखना है कि वो मानवीय आचरण के अनुरूप है कि नहीं। दूसरा, जहाँ जहाँ अनुरूपता नहीं दिख रही उसके बारे में हमारी क्या योजना है। तीसरा, अपने भाव को निश्चित करने के क्रम में हमारी भागीदारी की क्या योजना है। और ये भी देखना, अपने व्यवहार वाले पक्ष को देखना है भीतरी में, या भी हम जो व्यवहार कर रहे हैं है ना, वो कितना रिएक्शन के साथ है, कितना रिस्पॉन्स है। काफी सारा काम है करने के लिए, एक सतत प्रक्रिया है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं।